अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं आपको चेहरे पर सिल्वर मास एक्नी, जिनके चेहरे पर एक दाने निकल आते हैं, उनका मैं आज आपको सिल्वर मास्क बनाने का तरीका बताऊंगी, लगाने का तरीका बताऊंगी। तो इनके लिए आपने क्या चीज़ें लेनी है और आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। संदल सफ़ेद आपने लेना है 1 चम्मच, समंदरी जाग 1 चम्मच, चांदी का वर्क 1 अदद, अरके गुलाब थोड़ा सा। तो नाज़रीन, ये आपने इन चीज़ों को सबको आपने जो है मिला लेना है, आपस में मिला के अच्छी तरह इनको आपने मिक्स करने के बाद आपने अपने चेहरे पर लगाना है। जिन बच्चियों के दाने निकलते हैं और वो बड़ी परेशान होती हैं कि हम जो है बहुत ज़्यादा केमिकल वाले मास्क आजकल आए हुए मार्केट में, तो वो लगाती हैं तो उनके चेहरे पर जो है जलन होती है, इनके दाने जो है और ज़्यादा मजीद निकलते हैं, तो वो बच्चियाँ परेशान ना हों, आज मैं आपको बेहतरीन मास्क जो मैं बताया है ये आपने 20 मिनट आपने अपने चेहरे पे लगाना है। उसके बाद आपने सादे पानी से अपना मुंह जो है वो वॉश कर लेना है। तो साबुन नहीं लगाना, आपने आधे घंटे के बाद आप अपना साबुन से मुंह धो सकते हैं। तो नाज़रीन, ये जो बच्चियों के दाने निकलते हैं ये गर्मी की वजह से निकलते हैं, वो हर तरह की चीज़ें जो है अपने चेहरे पर लगाती हैं तो उनका चेहरे में गर्माइश हो जाती है और खून में गर्माइश किसी की होती है, किसी के चेहरे पर गर्माइश होती है तरह तरह की चीज़ें लगाने से। तो नाज़रीन, इस तरह जो है उनके चेहरे पे जब दाने निकलते हैं तो वो बच्चियाँ जो हैं वो परेशान हो जाती हैं, वो उनको तरीके सोचती हैं कि हम अपने दाने अब कैसे ख़त्म करें, हम अपने चेहरे के लिए खूबसूरती बनाने के लिए हम कौन से मास्क इस्तेमाल करें। मार्केट में बहुत सारे मास्क आए हुए हैं, तो मैं अपनी बच्चियों को ये कहना चाहती हूँ कि वो बाज़ार के मास्क छोड़कर आज मैंने जो आपको सिल्वर मास्क एक्नी के लिए बताया है वो बेहतरीन रहेगा आपके चेहरे के लिए। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो बच्चियाँ ज़रूर बेधड़क होकर ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं। तो नाज़रीन, इस तरह आपके चेहरे पर खूबसूरती भी आएगी और आपके जो दाने चेहरे पे निकल रहे हैं वो भी आस्ते आस्ते खत्म होते चले जाएंगे। तो ये आप जब 20 मिनट लगाएंगे तो आप खुद अपना फर्क देखेंगे कि आपके चेहरे पर कितनी अच्छी खूबसूरती आ गई है। तो आप बाजार के मास्क लगाना भूल जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला तो ये आपने मैंने जो आपको मास्क बताया ये आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका चेहरा जो है सुरखुश शादाब हो जाएगा, फेयर रंग हो जाएगा आपका। तो और लड़कियां पूछेंगी कि आपके चेहरे पर क्या लगाया है जो आपका इतना चेहरा धमक रहा है। तो नाज़रीन, ये बच्चियां जरूर इस्तेमाल करें और अपने चेहरे की सफाई रखें ताकि आपका चेहरा अगर साफ सुथरा रहेगा, अगर आपका चेहरा साफ सुथरा रहता है तो उससे आपके चेहरे पर जो है दाने नहीं निकलते, चिकनाई जिनके चेहरे पे रहती है तो नाज़रीन उन्हीं के चेहरे पे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। गर्म चीज़ें ना खाएं वो बच्चियाँ, तो इससे जो है उनकी चेहरे की जो है रौनक ख़त्म हो जाती है। गर्म चीज़ें खाती हैं दाने निकलते हैं, रेशे वाले दाने निकलते हैं। ये मास्क जो मैंने आज आपको बताया ये हर किस्म की जिल्द के लिए है। तो नाज़रीन, आपने ये ज़रूर जो है इन चीज़ों का परहेज़ करना है, गर्म चीज़ें नहीं खानी, तो इंशाल्लाह ताला जो है आपके दाने निकलना बंद हो जाएंगे तो आप परेशानी से बचेंगे। तो नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। तो छोटी उम्र की बच्चियां भी लगा सकती हैं, बड़ी उम्र की बच्चियां भी लगा सकती हैं, हर किस्म की जिल्द की बच्चियां जिनकी जिल्द जो है वो खुश्क जिल्द है, किसी की ऑयली वाली जिल्द है, तो वो भी ये जो है मास्क इस्तेमाल कर सकती हैं। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, घबराना नहीं है, अपने चेहरे पर जो आप चीज़ें यूज़ कर रही हैं उनको बंद करेंगी आप इंशाल्लाह ताला और ये मेरा मास्क आप चेहरे पर लगाया करेंगी। तो नाज़रीन, ये आपने जो है अगर हफ्ते में एक बार भी आप मास्क लगाएंगी तो आप खुद देखेंगे तो आपको फ़र्क वाजिया नज़र आएगा। अगर हफ्ते में 2 बार भी लगा लेती हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो आप जो है ये हफ्ते में 2 बार भी लगा सकती हैं। तो नाज़रीन, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अपने मरीज़ों को, ताकि देखें मेरा इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा इतना तेज़ मुझे बुखार हो रहा है इस वक्त, मगर मैं फिर भी कहती हूँ कि मैं अपने नाज़रीन को एक नई वीडियो ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करूँ। तो नाज़रीन, आपने मेरा ये नुस्खा जो मैंने आपको बताया आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, दूसरी बच्चियों को भी बताना है ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, आपको दुआओं में मैं याद रखूँगी, आप भी मेरे लिए दुआ ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह ताला कल फिर बहुत अच्छी खास वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।